अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन 65। इसके लिए हमें चाहिए 3 पाव टमाटर, जिसे हमने दोनों तरफ से कट्स लगाए हैं, इधर से। फिर इसके बाद इसे बॉईल करना है। इसके फिर बाद में हम प्यूरी बनाएंगे। एक कटोरी कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 कटोरी अदरक, 1 बड़ी कटोरी प्याज की पत्ती, 1 कटोरी हरा धनिया और 1 कटोरी हरी मिर्च। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। और 2 कप भर के टमाटो केचप, और एक चिकन के लिए तंदूरी मसाला 2 टेबल स्पून। ये चिकन 65 के लिए हमने 2 किलो चिकन लिया है। उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तंदूरी चिकन मसाला, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून घिसा हुआ जो हमने कद्दू घिस करके रखा था, वो 1/2 टीस्पून डालें, और ये 1/2 टीस्पून हमने अदरक डाला है जो बारीक कद्दू घिस कर लिया हमने, बारीक घिसा है इसे, और 2 टेबल स्पून नमक। आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, सॉरी 2 टीस्पून नमक डालना है, और 1/2 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला। इन सबको डाले बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिए हम। मिक्स करके 1 घंटा से रख दीजिए। घंटा रखने के बाद इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डालकर नॉन स्टिक पैन में ऊपर नीचे करेंगे। टमाटो को उबाल कर उसके छिलके निकाल दिए, फिर उसकी प्योरी बनाएंगे। पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, इससे थोड़ा गर्म होने दूंगी। तेल गर्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके चिकन डालेंगे। तक इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे, 10 मिनट तक पैन में थोड़ा नीचे दाग लगे तक इसको पकने देंगे। फिर चिकन को 10 मिनट तक हल्का सा फ्राई करें। इसे हमने थोड़ा लाइटली फ्राई किया है, बस थोड़ा नरम होने तक, और एक साथ नहीं आया तो 2 बार अलग अलग करके पैन में फ्राई करें। 65 के लिए 1 कप मीठा तेल चाहिए, जिसमें से हम अभी 1/2 डाल रहे हैं और 1/2 बघार के लिए रख रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो हमने बारीक चॉप करके हरी मिर्ची रखी थी उसे 1/2 डाल रहे हैं, और 1/2 बघार के लिए रखेंगे हम। 1/2 कोथमीर और 1/2 कड़ी पत्ता और 1/2 प्याज की पत्ती। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भूने, इसका कलर थोड़ा ग्रीन भी दिखना चाहिए। सबसे पहले हम ये अदरक बाकी का जो बचा हुआ था वो डालेंगे, फिर उसको थोड़ा भूनेंगे। फिर 2 टीस्पून हमने नमक लिया है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, और 1 छोटा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद हमने जो बॉईल करे थे टमाटर उसको उसकी प्यूरी बना दी है, फिर उसमें डाल दें, फिर उसको हल्का सा भूने। इसे हमें 5 मिनट तक भूनना है। 5 से 7 मिनट तक हमने इसे भुना है,
फिर उसके बाद इसमें ये फ्राई करा हुआ चिकन डाल दें, एक साथ पूरा चिकन डाल दें, फिर और थोड़ा उसे पकने दें, 10 मिनट तक और पकने दें। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर केचप डालेंगे, इसके बाद हम इसमें टमाटर केचप डाल देंगे और फिर उसके बाद 5 से 7 मिनट तक पकाएं। इसके बघार के लिए हम पैन में एक सबसे पहले जो हमने आधा कप तेल रखा था वो पैन में डालेंगे। सबसे पहले हम जो आधा कड़ी पत्ता रखा था वो डालेंगे, इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, फिर इसके बाद इसमें बची हुई कोथमीर डालेंगे, फिर थोड़ी सी प्याज की पत्ती डालेंगे और थोड़ी गार्निशिंग को रखेंगे। अच्छा फ्राई होने तक इसे भूनेंगे। उसे 4-5 मिनट फ्राई होने देंगे, थोड़ा कड़क होने तक फ्राई करेंगे, तब चीज़ा थोड़े कड़क और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसे हम चिकन ग्रेवी पे डाल देंगे। फिर इस पे हम ऐसा बघार डाल देंगे। लीजिए आपका चिकन 65 तैयार है।